जो अपनी पुरानी गलतियों से सीखे असल में समझदार तो वही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में अगर ये बात कही जाए तो कहना गलत नहीं होगा। जुलाई में जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी उससे पहले सरकार विवादों में घिर गई थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने दलित होने और काम न मिलने के आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंप दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा था। अब जब एक बार फिर से राज्य मंत्रियों की बैठक हुई तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी के संतुष्ट होने और काम मिलने को लेकर सीधा सवाल दाग दिया। ऐसे में उनको जो जवाब मिला वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। निश्चित तौर पर ऐसे में दिल्ली हाईकमान को भी अच्छा संदेश जाएगा कि योगी और उनकी कैबिनेट अच्छे से और साझेदारी से काम कर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की राज्य मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई वो इस बार बहुत ज्यादा बेहतर रही। अब चलिए आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने कैसे और किस तरह से अपने राज्य मंत्रियों पर सवाल दागा। दरअसल राज्य मंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहला सवाल पूछा, किस किस को काम नहीं मिला। ऐसे में सभी राज्य मंत्रियों ने एक स्वर में जवाब देते हुए कहा कि उन्हें तो काम मिल गया। करीब एक घंटे तक ये बैठक चली और इसमें तमाम राज्य मंत्री अपने कैबिनेट मंत्री और विभागीय अफसरों से संतुष्ट नजर आए। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी संतुष्टि जाहिर की और कहा कि विभागीय कामकाज को लेकर आपको अधिकारियों पर भी नजर रखनी होगी और उनको जरूरी दिशा निर्देश जारी करने होंगे। अगर आपकी नजरों में कोई ऐसा अधिकारी है जो काम नहीं करता तो उसकी रिपोर्ट आप सीएम ऑफिस को तुरंत दें और उस पर एक्शन लिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो बैठक की गई इसमें संतुष्टि का भाव देखने को मिला। सिर्फ राज्य मंत्री ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक के बाद काफी संतुष्ट से नजर आए, और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि हाई कमान को इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद सरकार विवादों में आ गई थी। योगी सरकार पर सवाल उठने लगे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिनेश खटीक ने ना काम मिलने का आरोप लगा दिया और इस्तीफा सौंप दिया। तो ऐसे में अब जब बैठक हुई तो इसमें सबसे पहला सवाल यही दागा गया, और उसके बाद जब एक स्वर में सारे मंत्रियों ने कहा कि हाँ हमें काम मिल गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ संतुष्ट नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने तमाम मंत्रियों को ये आदेश दे दिए कि वो अधिकारियों पर भी नजर रखें और अगर कोई अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट सीएमओ ऑफिस में जरूर दें। तो ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में तमाम कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री किस तरह से काम करते हैं और इसका फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरह से होता है। अब बताइए योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रही हैं उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं।